हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ उसामा सलीम एंड यू आर वॉचिंग माइक्रो कोडिंग फॉर यू। आज के इस ट्यूटोरियल लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक नंबर का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब है एक नंबर के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है इसके तमाम लेस देन नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 5, 4, 3, 2, 1 दिस। अब फैक्टोरियल का मतलब ये है कि अगर मैं 8 का फैक्टोरियल लिखूँ तो मुझे यहाँ पे 4320 ये आंसर मिलना चाहिए। अगर मैं 3 का फैक्टोरियल फाइंड करूं तो मुझे यहां पे 6 मिलना चाहिए। 3 × 2 × 1 = 6। अगर मैं 4 का फैक्टोरियल फाइंड करूं तो मुझे यहां पे 4 × 3 × 2 × 1 = 24 आंसर मिलना चाहिए। लेट अस स्टार्ट आवर प्रोग्राम। इंक्लूड IOStream using namespace std int main। अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम को एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ कि यूज़र मुझे एक नंबर एंटर करे, मैं उसका मेरा प्रोग्राम उसका फैक्टोरियल फाइंड करके उसको प्रिंट कर दे। यूज़र से नंबर इनपुट करवाने के लिए मुझे एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा इंटीजर टाइप का int i, और यूज़र को मैसेज शो करवाना पड़ेगा एंटर नंबर, और वो जो नंबर एंटर करे उसको मुझे i में सेव करवाना है। मैंने अब वो नंबर अपने i के अंदर सेव करवा लिया। अब मुझे इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यूज़र जो सा है वो 8 एंटर करे तो आंसर आना चाहिए 40320। मतलब क्या है इसका कि अगर वो 8 एंटर करता है, इसका मतलब है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × इसका मतलब है कि 8 को मल्टीप्लाई करो एक नंबर लेस के साथ, फिर जो आंसर है उसको फिर मल्टीप्लाई करो एक नंबर लेस के साथ, फिर जो आंसर है उसको फिर मल्टीप्लाई करो एक नंबर लेस के साथ, अप टू सो ऑन। इसके लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। फॉर इंटीजर जे इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है 8 में ज्यूम करके चल रहा हूँ कि यूज़र ने एंटर किया है, तो यूज़र जो एंटर करेगा वो इस वक्त हमारे आई के अंदर पड़ा हुआ है। जे को हम आई से स्टार्ट करते हैं। जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है। जे माइनस माइनस, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है, एक हर मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिक्रीमेंट होता है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराता हूँ फैक्टोरियल के नाम से, जिसको मैं 1 इनिशियलाइज कराता हूँ। अगर मैं इसको 0 इनिशियलाइज़ कराऊंगा तो, और इसको मैं मल्टीप्लाई करा के देखता रहूँगा, तो आंसर मेरे पास 0 ही आएगा, मेरा आंसर करेक्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज़ करवाया। मैं बारी बारी क्या करता हूँ, फैक्टोरियल के अंदर सेव कर देता हूँ फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई जे। इसका मतलब क्या है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3 एंटर किया, नीचे आया फर्स्ट टाइम जे जो उनसे होगा 3 होगा, नीचे आएगा फैक्टोरियल के अंदर रखवा देगा, फैक्टोरियल के अंदर रखवा देगा, फैक्टोरियल के अंदर इस वक्त जो पहली वैल्यू पड़ी है वो क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय, और जे की वैल्यू क्या है 3 = 3। मतलब अब फैक्टोरियल के अंदर क्या चला जाएगा 3। नेक्स्ट टाइम
जब दोबारा ये ब्रैकेट आएगी, ये ब्रैकेट जे के अंदर डिक्रीमेंट कर देगी और जे को कर देगी टू। अब दोबारा नीचे आएगा, नीचे आके जे की जगह आ जाएगा टू और फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा थ्री, क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम जो फैक्टोरियल के अंदर सेव हुआ था वो नंबर था थ्री, थ्री टू ज़ार सिक्स, अब फैक्टोरियल के अंदर सेव हो गया सिक्स। अब दोबारा ये ब्रैकेट आएगी, ये ब्रैकेट यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देगी, जे को कर देगा वन, नीचे आया जे की जगह पर लिख देगा वन और फैक्टोरियल की जगह कर देगा सिक्स, क्योंकि लास्ट टाइम क्या स्टोर हुआ था सिक्स, अब इसका आंसर आ गया सिक्स। यानी कि अगर मैं थ्री प्रेस करूं तो मुझे आंसर सिक्स मिलना चाहिए। अब जो फैक्टोरियल हमने फाइंड किया है वो इस फैक्टोरियल के अंदर पड़ा हुआ है, इसको जस्ट यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, सी आउट फैक्टोरियल इज अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि मेरा आंसर क्या होता है। अब मुझसे नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ थ्री, तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया फैक्टोरियल इज सिक्स। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।